शुरू करते हैं। कितने प्रकार की रामायण? 300, 3000। कुछ रामायणों के अंत में भी कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि यहां कितनी प्रकार की रामायण सामने आई है और यहां कुछ कथाएं हैं जो इसका उत्तर देती हैं। ऐसी एक कथा है, एक दिन राम जब अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनकी अंगूठी गिर पड़ी। जब अंगूठी ने धरती को स्पर्श किया, तब वहां पे एक छिद्र बन गया और अंगूठी उसमें खो गई। वह गायब हो चुकी थी। जब ऐसा हुआ, राम के विश्वस्त प्रधान सेवक हनुमान उनके चरणों के पास ही बैठे हुए थे। राम ने हनुमान से कहा, देखो मेरी अंगूठी खो गई है, इसे ढूंढ लाओ। हनुमान तो किसी भी छिद्र में प्रवेश कर सकते थे, वह कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, उनमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तथा बृहत से बृहत्तम बन जाने की ही शक्ति थी। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और छिद्र के भीतर चले गए। वे छिद्र के भीतर चलते ही गए और अचानक पाताल लोक में गिर पड़े। वहां औरतें बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, देखो एक छोटा बंदर, वह ऊपर से गिर पड़ा है। फिर उन्होंने हनुमान को पकड़ा और एक थाली में रख दिया। प्रेतों का राजा जो पाताल लोक में रहता है, जानवरों को खाना पसंद करता है, तो राजा के रात्रि भोज के भाग के रूप में सब्जियों के साथ हनुमान को भी भोजन के रूप में राजा के पास भेजा गया। थाली पर बैठे हुए हनुमान सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। जब पाताल लोक में यह सब हो रहा था, राम ऊपर पृथ्वी पर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय ऋषि वशिष्ठ तथा भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने राम से कहा, हमें आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हम कहे उसे और कोई न सुन पाए और न ही इस वार्तालाप में कोई बाधा पहुंचाए। क्या आप सहमत हैं? ठीक है, राम ने कहा, हम बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, एक नियम बनाया जाए, यदि कोई हमारी बातचीत के दौरान यहां पहुंच जाता है तो उसका सर काट दिया जाएगा। ऐसा ही होगा, राम ने कहा। द्वार रक्षक के रूप में सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्ति कौन हो सकता है? हनुमान तो उंगली अंगूठी लाने के लिए भीतर गए हुए थे। राम लक्ष्मण से अधिक और किसी पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा रहने को कहा, किसी को अंदर ना आने देना। उन्होंने आदेश दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े ही थे, वहां ऋषि विश्वामित्र आ पहुंचे और उन्होंने कहा, मुझे राम से फौरन मिलना है, वह अपरिहार्य है, बताओ राम कहाँ है। लक्ष्मण ने कहा, आप अभी अंदर नहीं जा पाएंगे, वे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र ने कहा, ऐसा क्या है जो राम मुझसे छुपाए?
मुझे अंदर जाना ही है, लक्ष्मण ने कहा। मुझे आपको अंदर जाने देने के लिए उनकी अनुमति लेनी होगी, विश्वामित्र ने कहा। अंदर जाओ और पूछ कर आओ, लक्ष्मण ने कहा। जब तक राम बाहर नहीं आ जाते मैं भीतर नहीं जा सकता, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, विश्वामित्र ने कहा। यदि तुम भीतर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते तो मैं अपने शाप से संपूर्ण अयोध्या साम्राज्य को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, यदि अभी मैं भीतर जाता हूं तो मुझे मरना पड़ेगा, किंतु अगर नहीं जाता हूं तो यह क्रोधित व्यक्ति संपूर्ण साम्राज्य को भस्म कर देगा। समस्त कर्ता समस्त वस्तुएं जो यहां रहती है मारी जाएंगी। इससे बेहतर यह है कि मैं अकेला ही मर जाना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मण भीतर चले गए। राम ने उनसे पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा, विश्वामित्र आए हैं, उन्हें भीतर भेज दूं? फिर विश्वामित्र अंदर आए। जो गोपनीय वार्ता हो रही थी वह पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से यह कहने आए थे, मनुष्य लोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है, राम के रूप में आपके अवतार का अब पदाक्षेप हो ही जाना चाहिए, अंत इस शरीर का त्याग करिए और ऊपर आकर पुनः देवताओं में शामिल हो जाइए। लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राता आपको मेरा सर काट देना चाहिए। राम ने पूछा, क्यों? हमें और अधिक बात करनी ही नहीं थी, कुछ भी शेष नहीं बचा था तो मुझे क्यों तुम्हारा सर काट देना चाहिए? लक्ष्मण ने राम से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे इसलिए नहीं क्षमा कर सकते कि मैं आपका भाई हूं, यह राम के नाम पर कलंक होगा, आपने तो अपनी पत्नी को भी क्षमा नहीं किया, उन्हें वन भेज दिया था, मुझे निश्चय ही दंड मिलना चाहिए, मुझे जाना ही होगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, वही शेषनाग जिस पर विष्णु शयन करते हैं। मनुष्य के रूप में उनका समय भी समाप्त हो चुका था, वह सीधे सरयू नदी की ओर चले गए और बहती हुई जल की धारा में विलीन हो गए। जब लक्ष्मण ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया तब राम ने अपने सभी अनुगामियों विभीषण सुग्रीव तथा अन्य को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव तथा कुश के राज्यरोहण की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। जब पृथ्वी पर यह सब हो रहा था तब हनुमान पाताल लोक में थे। अंततः जब हनुमान को प्रेतों के राजा के पास लाया गया तब भी वे राम नाम का ही जप कर रहे थे, राम राम राम। जब प्रेतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान तुम यहां क्यों आए हो? तब हनुमान ने कहा, राम की अंगूठी छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे लेने आया हूं। राजा ने चारों ओर देखा और हनुमान को एक थाली दिखाई। इस थाली पर
हजारों अंगूठियां थी, वे सभी राम की ही अंगूठियां थी। राजा ने थाली हनुमान के सामने प्रस्तुत की और कहा, तुम अपने राम की अंगूठी इसमें से पहचान लो और ले जाओ। ये सब की सब ठीक एक जैसी थी। हनुमान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता मेरे राम की अंगूठी इनमें से कौन सी है। प्रेतों के राजा ने कहा, इस थाली में जितनी अंगूठियां है उतने ही राम अब तक हुए हैं। तुम जब पृथ्वी पर लौटोगे वहां राम को नहीं पाओगे। राम का यह अवतार अब समाप्त हो चुका है। जब भी राम का अवतार समाप्त होने को आता है उनकी अंगूठी नीचे गिर जाती है। मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूं। अब तुम जा सकते हो। फिर हनुमान वहां से लौट गए। 300 रामायण।